आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता करकर, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से हुई है छेड़छाड़, समय रहते मिला नियंत्रण। मालदा का रहने वाला जाली मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह का इनामी सरगना केरल से गिरफ्तार। कांग्रेस पंजाब का हित नहीं कर सकती, केजरीवाल की नजर सीएम की कुर्सी पर, सुखबीर सिंह बादल ने दिया ये बयान। लालू की बेटी ने रोहिणी में मामा साधु को कहा कंस, तेज प्रताप बोले मां का दूध पिया है तो दो दो हाथ कर लो। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी हुआ ढेर। बूस्टर डोज पर सीरम से एसईसी ने मांगे और आंकड़े, कहा क्लिनिकल ट्रायल के बिना नहीं मिल सकती है अनुमति। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्रा ने कार्यकाल हुआ पूरा, बीजिंग में आयोजित किया गया विदाई कार्यक्रम। भारत ने की अफगानिस्तान की मदद, काबुल से हिंदुओं व सिखों को लाने वाले विमान से भेजी गई दवाइयां। जनरल रावत की मौत का जश्न मनाने वालों पर हो सकती है कार्रवाई, कर्नाटक के गृह मंत्री ने दिए निर्देश। पोखरण रेंज में स्वदेशी मिसाइल संत का सफल परीक्षण, मीलों दूर से दुश्मन के ठिकाने तबाह करने में सक्षम। केरल में पीएफआई पर कसा शिकंजा, पीएफआई नेताओं के ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप, मिले अहम सबूत। ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुई घर वापसी, कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली और सीमाओं पर एक साल से बैठे थे किसान। मणिपुर में कांग्रेस ने एफएसपीए पर किया वादा, सत्ता में आते ही कैबिनेट की पहली बैठक में कानून को कर देंगे खत्म। क्रिप्टोकरेंसी की मदद से ड्रग्स तस्करी का कारोबार, संसदीय समिति ने जताई चिंता, साइबर विंग बनाने की सिफारिश। लालू के लाल तेज प्रताप ने मामा साधु यादव को कहा हत्यारा, बिहार बोले आते हैं तो छुड़ा देंगे। पिछली सरकारों की लापरवाही से बड़ी परियोजनाओं की लागत 100 गुना बढ़ी, देश चुका रहा कीमत, पीएम मोदी का बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, प्रधानमंत्री ने पूरा किया लाखों किसानों का सपना, मिट्टी उगलेगी सोना। लखनऊ में बोले अखिलेश यादव, सपा की सरकार बनी तो तीन गुणा बढ़ाएंगे समाजवादी पेंशन। बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, 471.77 करोड़ रुपए किए जारी। मेरठ के बूथ सम्मेलन में बोले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गन्ना हमारा है और जिन्ना उनका।
अलीगढ़ में काशी विश्वनाथ धाम का शुभारंभ कार्यक्रम का होगा लाइव प्रसारण। अलीगढ़ में परछाई फाउंडेशन कराएगा हुनर की पहचान, हुनरबाजों को मिलेगा खास मौका। अलीगढ़ में दहेज न मिलने पर बहू को घर से निकाला, तीन तलाक की दी धमकी। औरैया में केंद्र पर भाकी अनुभानी गुट ने दिया धरना, उप जिलाधिकारी बिदुना को दिया गया ज्ञापन। गोरखपुर में पूर्व सपा नेता पर धमकी देने का आरोप, जबरन जमीन कब्जाने का आरोप। मऊ में मनचलो युवक का कारनामा, रेलवे ट्रैक पर स्टंट करना पड़ा महंगा। सीतापुर में किसान की गोली मारकर हत्या, बेटा ही निकला पिता का हत्यारा। अलीगढ़ में स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोल रहा सड़क, सड़क पर गंदा पानी और कूड़े का ढेर। अलीगढ़ में लाल टोपी का चुनावों में दिखेगा कमाल, पूर्व विदेश मंत्री सलीम इकबाल ने दिया ये बयान। चंदौली में मैत्री क्रिकेट मैच में सांसद एकादश विजयी मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित। फर्रुखाबाद में सरकार के आदेशों को ढेंगा, मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर अवैध वसूली, उक्त सचिव के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। गाजीपुर में बिना कलश सिंदूर की शादी, अव्यवस्था के चलते कई जोड़े करेंगे फिर से शादी, प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला रहे शामिल। संबल में बाहुबली नेता डीपी यादव का बड़ा बयान, धोखेबाज निकले मुलायम सिंह यादव। सीतापुर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस पर परेशान करने का लगा आरोप। सीतापुर में दर्दनाक हादसा आया सामने, हादसे में तीन लोगों की हुई मौत। लखीमपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अलीगढ़ में खड़े ट्रक में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में अवैध हथियारों के तस्करों का आतंक, तस्करों का वीडियो हुआ वायरल, तमंचे के साथ नजर आया युवक। फतेहपुर में युवक को बारात भेजना पड़ा महंगा, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा, युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। योगी सरकार में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त, तेलीबाग से 11 वर्षीय बच्ची हुई अगवा। मैनपुरी में आबकारी मंत्री का बड़ा बयान, सामूहिक विवाह में शिरकत करने पहुंचे राम नरेश अग्निहोत्री।
सहारनपुर में आग का गोला बनी कार, बाल बाल बची, कार सवारों की जान, चलती कार से कूदकर बचाई जान। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा, एम्बुलेंस को कार ने पीछे से मारी टक्कर, एम्बुलेंस सवार महिला की मौत, कार सवार तीन लोग हुए घायल। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, लोकार्पण का निमंत्रण पत्र बेहद खास, कड़ी मंदिर में 200 सालों के सफर का जिक्र। देश भर में कहीं भी गाड़ी चोरी हुई तो हाजी गल्ला से हो सकेगी पूछताछ, यूपी का कबाड़ माफिया घोषित। चंपावत में टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला पुलिस क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने जाहिर की नाराजगी। आप वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल बोले, मुफ्त बिजली गारंटी से घबराई भाजपा व कांग्रेस। मलाई खाने नहीं आया हूं कांग्रेस में वापस, पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आरण ने दिया ये बयान। आस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना जारी, प्रदेश का पहला इको सेंसिटिव जोन जिसमें एक भी गांव नहीं। उत्तराखंड चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की राजनीतिक दलों के साथ बैठक, दी गई गाइडलाइन की जानकारी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र में देवस्थानम निरसन विधेयक पर लगी मुहर। देहरादून में लोक अदालत में 1526 मामलों का हुआ निस्तारण। राजधानी दून में पानी की गुणवत्ता पर नहीं थम रहा विवाद, कई सालों से पेयजल आपूर्ति की पोल खोल रही है संस्था। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कालाडूंडी सीट से की दावेदारी, बोले 30 साल से कर रहा हूं पार्टी की सेवा। बंधक बनाकर नाबालिग से दुष्कर्म, 8 माह बाद गर्भ ठहरने पर मामला का पता चला, मुकदमा दर्ज हुआ। उत्तराखंड विस सत्र के दौरान महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने की सरकार को घेरने की कोशिश, सदन से किया वॉकआउट। एनसीटीई ने दाखिल किया जवाब, बीएड व डीएलएड प्रशिक्षितों को नियुक्ति का मामला। चंपावत में सपा जिलाध्यक्ष ने कहा, पार्टी को लगी बुरी नजर, नींबू मिर्ची की माला पहन प्रचार निकले। मिशन मिठास के तहत उत्तराखंड में जैविक गन्ने की खेती शुरू, सुधरेगी किसानों की आर्थिक सेहत। अल्मोड़ा जेल से मोबाइल व सिम मिलने का सिलसिला जारी, छापे में फिर मिले 3 मोबाइल व 10 सिम। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर लगाया बैन, बताया आतंकवाद का एंट्री गेट। अमेरिका में बवंडर ने मचाई भीषण तबाही, मृतकों की संख्या 100 तक पहुंचने की आशंका, राज्य आपदा का ऐलान।
ब्रिटेन से वापस आ रही देवी योगिनी की मूर्ति 40 साल पहले उत्तर प्रदेश से हुई थी चोरी। अमेरिका के 22 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन वेरिएंट 15 नवंबर को आया था पहला मामला। अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, चीन पर लगाए कड़े प्रतिबंध, म्यांमार भी आया लपेटे में। वायु प्रदूषण की चपेट में काबुल, अफगानिस्तान सरकार ने जताई चिंता। कोरोना की जांच व वैक्सीन से इनकार करने पर अमेरिकी नौसेना कमांडर की जिम्मेदारी छीनी। डेमोक्रेसी समिट पर चीन आग बबूला, अमेरिका पर लोकतंत्र को जनसंहार के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। बाइडेन प्रशासन में फिर बड़ा भारतीय मूल का दबदबा, गौतम राघवन को व्हाइट हाउस में मिली अहम जिम्मेदारी। पाकिस्तान में संघर्ष विराम खत्म होते ही तहरीक तालिबान का हमला, पुलिसकर्मियों को बनाया निशाना, एक की मौत। कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था तेजी से होगी मजबूत, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हर एक नागरिक तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिया यह बयान। नए साल पर ग्राहकों को लगेगा झटका, महंगी होने वाली है टाटा मोटर्स और डुकैती की गाड़ियां। महंगाई से मिलेगी कुछ राहत, खाने के तेल की कीमतों में हुई है कमी। आईटी नियमों का असर, मीटा और व्हाट्सएप भारत में तलाश रहे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। एमसीडी चुनावों से पहले एसडीएम का ऐलान, प्रॉपर्टी टैक्स पर 31 दिसंबर तक मिलेगी इतनी छूट। गेमिंग लवर्स के लिए खुशखबरी, अगले साल से लैपटॉप और पीसी पर खेल सकेंगे मोबाइल एंड्रॉइड गेम्स, गूगल ने दी जानकारी। ₹50,000 तक मुद्रा लोन लेने वालों के लिए खास खबर, 15 दिसंबर तक ही मिलेगी विशेष छूट। लॉकर यूज करने वाले हो जाएं सावधान, आरबीआई ने बदले नियम, बैंक उठा सकता है बड़ा कदम। बीएमडब्ल्यूआईएक्स को यूरो एनसीपी क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार रेटिंग, भारत में अगले हफ्ते की जाएगी लॉन्च। शोएब अख्तर ने किया खुलासा, बोले मैंने हार्दिक पांड्या को इंजर्ड होने की दी थी चेतावनी। छह छक्के 8 चौके के और नाबाद 114 रन, बिग बैश लीग में बल्लेबाज कोलिन मुनरो ने खेली जबरदस्त पारी। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्सी कैरी ने डेब्यू टेस्ट में बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, छोड़ा ऋषभ पंत को पीछे।
वेस्टइंडीज की टीम पर कोरोना का अटैक, पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से 3 खिलाड़ी बाहर। क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स 2028 के लिए पहली लिस्ट में नहीं मिली जगह, लेकिन आईसीसी को अब भी उम्मीद। विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को वनडे टीम में कप्तानी क्यों सौंपी गई, सौरभ गांगुली ने किया खुलासा। सीएसके को चैंपियन बनाने वाले धोनी के चेले ऋतुराज गायकवाड़ ने 4 दिन में ठोका तीसरा शतक, ओपनर शिखर धवन की जगह खतरे में। ऑस्ट्रेलिया से मिली पहली हार के बाद जो रूट ने टीम सिलेक्शन का किया बचाव। पूर्व फील्डिंग कोच श्रीधर बोले, जब तक काम किया रवि शास्त्री से हमेशा मेरे मतभेद होते थे। इंग्लैंड की शर्मनाक हार, लेकिन कप्तान जरूर ने बनाया बल्लेबाजी में रिकॉर्ड, कली गावस्कर और पेंटिंग की बराबरी। अमिताभ बच्चन ने दिशा परमार के साथ बनाई आरी टेरी रोटी, बादशाह के जुगनू पर किया डांस। अंकिता लोखंडे ने हाथों में रचवाई विक्की जैन के नाम की मेहंदी, प्री वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें आई सामने। कंगना रनौत की टीकू वेड चेरू के सेट शेयर की तस्वीर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ गपशप। अनुष्का शर्मा ने शेयर की वामिका की अब तक की सबसे क्यूट फोटो, एनिवर्सरी पर दिया फैंस को तोहफा। दुर्गामती के 1 साल पूरे होने पर भूमि पेंडेकर ने जाहिर की खुशी, शेयर किया बीटीएस का वीडियो। इस्लाम छोड़कर हिंदू बनेंगे फिल्म मेकर अली अकबर, सीडीएस विपिन रावत के निधन पर कट्टरपंथियों के रवैये से है खफा। रुचिका जांगिड की बहु जमींदार की यूट्यूब पर धूम, 2 मिलियन से ऊपर पहुंचे व्यूज। भारत का नाज बनेगी हर नाज, खेतों से तय किया रैम तक का सफर, बचपन में दुबलेपन के लिए बनता था मजाक। पूर्व इजरायली पीएम ने सीखी हिंदी, नेतन्याहू को मिलने पहुंची एक्ट्रेस उर्वशी रोतेला ने सिखाई अपनी भाषा, भगवद गीता भी गिफ्ट की। विकी कैटरीना को कंगना रनौत ने दी शादी की शुभकामनाएं, लिखा बहुत बहुत बधाई। आज के प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।